गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज सुनुबिया राहत, योर मैथ्स टीचर. वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनलाइन स्टडी ऑफ मैक्स डिवाइन. आई होप यू आर ऑल फाइन. सो स्टूडेंट्स, वी स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, पेज नंबर 34. सबसे पहले हम जानेंगे कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है. When the numbers are arranged from the smallest to the biggest, जब हम numbers को smallest से biggest number तक arrange करते हैं तो उसे ascending order कहते हैं, या फिर हम उसे increasing order भी बोल सकते हैं. जैसे मैं आपको बताती हूँ, first number is 1, ये हमारा smallest number है. उससे बड़ा number हमारा 2, 3 से बड़ा 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10. बिगेस्ट नंबर हमारा 10, स्मॉलेस्ट नंबर 1 एंड बिगेस्ट नंबर 10. जब हम स्मॉलेस्ट नंबर से बिगेस्ट नंबर तक एंड करते हैं तो ये क्या कहलाता है? असेंडिंग ऑर्डर. ओके, नाउ अब हम डिसेंडिंग ऑर्डर को जानेंगे. When the numbers are arranged from the biggest to the smallest, इसका ascending order का just opposite है. यहाँ हम smallest number से start करते हैं, लेकिन descending में biggest number से starting करते हुए smallest number पर end करते हैं. यहाँ 10 हमारा biggest number है और 1 हमारा smallest number है. तो it is called descending order. तो ये order हमारा descending order कहलाएगा. इसको हम decreasing order भी कह सकते हैं. Okay? Students, ये था आज का हमारा topic ascending and descending order. I hope आपकी समझ में आ गए होंगे. तो चलिए अब exercise start करते हैं. Now we start page number 35, practice time. राइट इन असेंडिंग ऑर्डर. यहाँ आपको कुछ नंबर्स दिए हुए हैं जो आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने हैं. जैसे इस रो में स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, हम उसी से स्टार्ट करेंगे. इस रो में स्मॉलेस्ट नंबर है 3, यहाँ हमने 3 लिख दिया. उसके बाद इस रो में 3 के बाद कौन सा नंबर है, 6, यहाँ हमने 6 लिखेंगे. 6 से बिगर कौन सा नंबर है, 7, यहाँ 7 आ गया. 7 से बिगर 8, 8 से बिगर 9, और लास्ट में हमारा इसमें बिगेस्ट नंबर आ गया 10. अब आप यहाँ देखिए, स्मॉलेस्ट नंबर और लास्ट में बिगेस्ट नंबर, तो ये ऑर्डर हमारा क्या कहलाएगा, असेंडिंग ऑर्डर. इसी तरह आपको ये सारी रोज कंप्लीट करनी है. नाउ सेकंड इज डिक्रीजिंग ऑर्डर. इसे आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में कंप्लीट करना है, असेंडिंग ऑर्डर से अपोजिट. इसमें आपने स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट कर बिगेस्ट नंबर पर एंड किया था, इसमें हम बिगेस्ट से स्टार्ट करके स्मॉलेस्ट पर एंड करेंगे. इस रो में बिगेस्ट नंबर यानी सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 8. 8 से स्मॉलेस्ट कौन सा है, 7. फिर 5, उसके बाद 3, उसके बाद 2, और लास्ट में हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है 1. यहां हमने बिगेस्ट नंबर से स्टार्ट किया और स्मॉलेस्ट नंबर पर एंड कर दिया. ये हमारा ऑर्डर क्या कहलाया, डिसेंडिंग ऑर्डर. एक बार फिर बता देती हूँ, असेंडिंग ऑर्डर वो होता है जो स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट होता है और बिगेस्ट यानी सबसे बड़े नंबर पर एंड होता है. डिसेंडिंग ऑर्डर वो होता है जो बिगेस्ट यानी सबसे बड़े नंबर से स्टार्ट होकर स्मॉलेस्ट नंबर यानी सबसे छोटे नंबर पर एंड होता है. इसी तरह आपको डिसेंडिंग ऑर्डर की ये रोज भी फिल करनी है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू पेज नंबर 36.
रेगुलर काउंटिंग यानी कि असेंडिंग ऑर्डर। अभी मैंने आपको पहले बताया असेंडिंग ऑर्डर कौन सा होता है, स्मॉलेस्ट से स्टार्ट होकर बिगेस्ट पर एंड होता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, 1 हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है एंड 20 बिगेस्ट नंबर है। इसे हम रेगुलर काउंटिंग भी बोल सकते हैं और असेंडिंग ऑर्डर भी। अब सेकंड है रिवर्स काउंटिंग। रिवर्स काउंटिंग को हम डिसेंडिंग ऑर्डर भी बोलते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में मैंने बताया था कि बिगेस्ट नंबर से स्टार्ट होकर स्मॉलेस्ट नंबर पर एंड होता है। यहाँ 20 बिगेस्ट नंबर है और 1 स्मॉलेस्ट नंबर है। ओके, नाउ इट्स टाइम टू प्रैक्टिस टाइम। यहाँ देखिए, राइट इन द असेंडिंग ऑर्डर एंड रीड। यहाँ आपको असेंडिंग ऑर्डर देखने हैं और पढ़ना है। अब यहाँ देखिए आप, असेंडिंग ऑर्डर क्या है। यहाँ फर्स्ट नंबर है हमारा 71। 71 हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है। स्मॉलेस्ट नंबर से हम आगे बढ़ेंगे 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80। आपने देखा यहाँ क्या आया हमारा 80। हमारा स्मॉलेस्ट नंबर 71 एंड बिगेस्ट नंबर 80। स्मॉलेस्ट नंबर पर स्टार्ट होकर बिगेस्ट नंबर पर एंड हो गया, तो ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर। इसी तरह आपको ये एक्सरसाइज फिल करनी है। ओके, इट्स टाइम टू योर होमवर्क। स्टूडेंट्स, जो आपको क्लास में एक्सरसाइजेस कराई गई हैं, यही आपका होमवर्क है और यही एक्सरसाइज आपको अपनी बुक में फिल करनी है। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।